अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी फैक्ट्स। आईटी फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त वीडियो, ज़बरदस्त जो है फॉर्मूला, उसके बारे में कि जिसकी मदद से आप बेहतरीन वर्किंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जो हैं वो मोबाइल फ़ोन में बना रहे हैं या फिर आप रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं, कंप्यूटर में बना रहे हैं, जहाँ पर भी आप रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं, एक ज़बरदस्त फार्मूले वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी फार्मूला परसेंटेज का, कि परसेंटेज आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो परसेंटेज का फार्मूला है, इसके लिए आपने लिखना है इज इक्वल। लिखने के बाद आपने यहाँ पर टाइप कर देना है ये जो चीज़ है, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है और ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स के साथ आपने डिवाइड कर देना है, एंड देन आपने मल्टीप्लाई कर देना इसको 100 के साथ। ठीक है, 100 के साथ, ये देखिए जैसे मैंने किया, ये 100 के साथ। उसके बाद आपने इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो परसेंटेज का जो मतलब कि जो फार्मूला आपने लगाया उस परसेंटेज है वो शो हो जाएगी। उसके बाद आपने रिजल्ट मालूम करना है कि पास है या फेल है, यानी कितने लोग पास हैं कितने फेल हैं। तो इसके लिए भी एक ज़बरदस्त फार्मूला है, इसके लिए आपने लिखना है यहाँ पे इज इक्वल, फिर इफ, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद आपने क्या करना है लॉजिक टेक्स्ट देना है। लॉजिक टेक्स्ट आपने क्या देना है, ये जो 82% है परसेंटेज देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन लगाना है, यहाँ पे ये बड़े बड़ा है, यानी इसका मतलब होता है कि अगर ये बड़ा है उसके बाद बराबर है 33 के, या फिर जो भी आप जितने भी मार्क्स के बच्चे को पास करना चाहते हैं, 33 वाले को, 44 वाले को, 55 वाले को, 60 वाले को पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपने नंबर लिखना है। उसके बाद आपने कॉमा लगा देना है, इन्वर्टेड कॉमा में आपने पास लिख देना है, इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में आपने फेल टाइप कर देना है, उसके बाद दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इंटर कर देना है, तो यहाँ पे शो हो गया पास। तो इससे क्या साबित हुआ कि आप जो है वो पास भी मालूम कर सकते हैं फॉर्मूला के जरिए से और परसेंटेज भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये बाकी जो रह गए हैं इन पर किस तरह से अप्लाई करना है। तो सो बहुत इजी है, आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, उसको यहाँ से पकड़ना है 82 को, ये थोड़ा बैक कर लें, 82 को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से पकड़ के नीचे रख ले आना है, तो फार्मूला यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पास पे आएंगे तो यहाँ पर आके आपने यहाँ तक ले आना है, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अब ये सब पर अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर फार्मूला अप्लाई था वहाँ पर आते हैं। ये जो 33 है, आप 33 वाले को नहीं, आप पास करना चाहते हैं 82 वाले को। ठीक है, आप जो है 82 नहीं बल्कि आप पास करना चाहते हैं 60 वाले को, इससे कम वाले को आप पास नहीं करना चाहते, बाकी को आप फेल कर देना चाहते हो, तो यहाँ से आप यस कर दो। ठीक है, यहाँ से पकड़ के यहाँ रख लिया, अब देखो कि 47, 44, 18 वाले जो हैं फेल हैं, 60 से ऊपर वाले ही पास हैं। ठीक है, बाकी सबको क्या कर दिया, उन्होंने फेल कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पता लगाया जा सकता है कि एक कौन फेल है कौन पास है, और अपने लिहाज यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के लिहाज से फॉर्मूला अप्लाई करके आप पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें।